कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर। आज देश के सभी राज्यों में चल रहा है वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य कर्मियों की कराई जाएगी प्रैक्टिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह का बड़ा ऐलान, पहले चरण में दी जाएगी फ्री में वैक्सीन। पहले चरण में देश भर के करीब 3 करोड़ कोरोना वॉरियर को किया जाएगा शामिल। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगा सर। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला, निशाना चूका, 6 नागरिक हुए घायल। स्थानीय अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। ग्रेनेड फेंक फरार हुए आतंकी। 38वें दिन भी जारी है दिल्ली में किसान आंदोलन। किसान मोर्चा का ऐलान, जब तक पूरी नहीं होती मांगे दिल्ली बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर रैली की तैयारी में जुटे किसान मोर्चा के आंदोलनकारी। पीएम मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में रखी आईआईएम कैंपस की आधारशिला। बोले, आज के स्टार्टअप कल के उद्यमी। छात्रों से किया लोकल को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए सुझाव देने का आह्वान। लद्दाख में चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना का अहम कदम। सेना ने खरीदा 12 हाई परफॉर्मेंस बोट। चीन की हर चाल पर अब होगी भारतीय सेना की नजर। ट्रंप को विदाई से पहले यूएस कांग्रेस ने दिया जोरदार झटका। रक्षा नीति विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वीटो को किया खारिज। 18-13 के बहुमत से खारिज हुआ वीटो। रिपब्लिकन नेतृत्व से नाराज हुए ट्रंप। कोरोना वैक्सीन को लेकर इजराइल ने मारी बाजी। इजराइल ने 60 साल से अधिक उम्र के 41% लोगों को दी कोरोना वैक्सीन। करीब 10 लाख लोगों को इजराइल में दी गई फाइजर कंपनी की वैक्सीन। पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को आया कार्डियक अटैक, अस्पताल में हुए भर्ती। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार को फोन कर जाना हाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर बड़ा विवाद। भाजपा नेता राम कदम का शिवसेना से सवाल, हमारे साथ थे तब क्यों नहीं भेजा प्रस्ताव, उस वक्त क्या खेल रहे थे गोटियां। बेलापुर से बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने सिडको और महानगर पालिका को लिखा पत्र। इमारतों के पुनर्विकास के लिए बने वेबसाइट, जिस पर पुनर्विकास को लेकर दी गई हो पूरी जानकारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।